अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपको अपनी मौलिकता एवं ज्ञान से प्रसिद्धि प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके आर्थिक लाभ की भी स्थिति अच्छी बन रही है। भूमि भवन खरीद सकते हैं, इसका योग बन रहा है। व्यापार से लाभ होने का योग बन रहा है और अनावश्यक भागदौड़ से मन थोड़ा उद्विग्न हो सकता है, चिंतित हो सकता है और आर्थिक अधिक व्यय होने से मन थोड़ा परेशान हो सकता है। तो इसे अपने व्यय पर नियंत्रण करने की जरूरत है। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, तो कन्या राशि वाले जातक हैं, आज आपका मेष राशि का चंद्रमा आठवें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा की सीधे सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर, तो द्वितीय भाव में आज आपको धन माड़ी अच्छी कीमती राय देने से धन मिलेगा और दूर देश की यात्रा हो सकती है। अगर समुद्र के किनारे से कोई व्यापार करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, पुराने मित्र मिलेंगे जिनसे आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और अध्यात्म के क्षेत्र में आज आपका काफ़ी विकास होगा और देखा जाए तो चतुर्दिक विकास से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। और आज आपको सावधानी की आवश्यकता नहीं है, आठवें का चंद्रमा नेगेटिव थॉट के प्रति ले जाता है, तो आज आपको नकारात्मक सोच से बचना है। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि ये पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में पौधे रोपण करें, तो 6 पौधे आज रोपण करें आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग हरा है, लक मीटर 8 है। हरे कृष्ण।